हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वीटी एंड वेलकम टू लर्निंग विदाउट बर्डन। तो आज हम करेंगे पेपर टू का आया हुआ एक गद्यांश। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा प्लूम देखा जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। मुझे यह बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक गति से हवा चलने के कारण बनता था, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था। विशेषकर खराब मौसम में यह मुझे डराने के लिए काफी था। फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी। यहाँ पे की नहीं के होना चाहिए, एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। खुम्बुस हिमशिखर पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से लहोत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए थे। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु को भी व्यक्ति को सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। तो एक बार आप खुद से इसको पहले वीडियो को पॉज करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको खुद से अच्छे से रीड करिए, ठीक है। ये इधर का नीचे का भी, इसको भी अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को पॉज करके अच्छे से रीड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि एवरेस्ट पर चढ़ाई करना है। एवरेस्ट पर चढ़ाई करना क्या है? गद्यांश के आधार पर विकट है। अवसाद का विलोम क्या है? अवसाद मतलब क्या है? दुख। तो दुख का उल्टा क्या होगा? खुशी, प्रसन्नता। तो उत्साह नहीं होगा। विषाद भी अवसाद का नहीं होता है, बेचैनी भी नहीं होता है, अवसाद का होता है प्रसन्नता। पर्वत शिखर पर बर्फ के प्लूम के बनने का मुख्य कारण क्या था? क्या था? पैसेज के अनुसार अत्यधिक तीव्र हवाओं का चलना। जो पैसेज में दिया बस वही आंसर लिखना है। बर्फ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पाला का मतलब भी बर्फ होता है। तुषार, आपने तुषार वर्षा सुना होगा, तुषार का मतलब भी बर्फ होता है। और हिमपात, हिम का मतलब भी बर्फ होता है। हिमपात मतलब बर्फ गिरता है तो उसे कहते हैं हिमपात। शैल का मतलब नहीं होता है बर्फ। तो इसका आंसर क्या है? शैल, ठीक है। बर्फ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बर्फ का पर्यायवाची शब्द शैल नहीं है। अब आप ये देखते जाइए कि क्या क्या व्याकरण पूछता है, ठीक है। जैसे पर्यायवाची शब्द, तो पर्यायवाची शब्द एक बार आप व्याकरण के किताब से तो पढ़ ही लीजिए, जो जो पर्यायवाची शब्द आपके व्याकरण के किताब में दिया है। उसके अलावा क्या करिए, जितना भी पैसेज मैं करा रही हूँ उसमें जो जो शब्द आ रहा है उसका आप पर्यायवाची शब्द एक जगह कॉपी में लिख लीजिए। इसलिए क्योंकि प्रायः वही शब्द जो है वो रिपीट हो जाता है जो पहले के क्वेश्चन में आया हुआ रहता है, ठीक है। उसका रिपीट होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। अब जैसे कि अगर विलोम शब्द आता है तो जितना भी अभी तक का आया हुआ पैसेज है मैं सारा पैसेज कराऊंगी, तो उसमें जितना भी विलोम शब्द है, एक बार आप अपने बुक से तो पढ़िए ही, उसमें जितना विलोम शब्द आया है उस सारे विलोम शब्द को आप एक जगह लिख लीजिए, ठीक है। अब समास के जो शब्द हैं वो एक जगह, इससे क्या होगा, एक जगह आपका रहेगा तो आपका जब पढ़ने का मन हुआ एक बार कॉपी से निकाल के पढ़ लिए और ज्यादातर वही वर्ड आता है जो पहले आ चुका है, ठीक है। ज्यादातर 90% रिपीट ही होता है, ठीक है।
तो इसको एक जगह आप लोग लिखिए, जिसका जिसका पर्यायवाची पूछता है, या जिसका जिसका विलोम पूछता है, या जिसका जिसका समास पूछता है, उसको आप एक जगह लिख लीजिए, ठीक है। कर्नल खुल्लर के अनुसार एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के दौरान क्या कहा लास्ट में, कि मृत्यु हो जाना एक सामान्य बात है, यही कहा कर्नल खुल्लर ने, है ना, मृत्यु हो जाना एक सामान्य बात है चढ़ाई के दौरान। खराब मौसम में किस चुनौती का सामना करना पड़ता था, तूफानों का। खराब मौसम में किसका सामना करना पड़ता था, तूफानों का। आकर्षित शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय, प्रत्यय और उपसर्ग भी आप पढ़ लीजिए, ठीक है। प्रत्यय और उपसर्ग का क्वेश्चन भी आता है, और जो जो वर्ड का प्रत्यय और उपसर्ग पूछ रहा है उस वर्ड को भी आप एक जगह लिखिए, क्योंकि पहले का ही आया हुआ रिपीट होता है ये। जब आप क्वेश्चन देखेंगे पहले का सारा आया हुआ, तो आपको पता चलेगा कि अलग से कोई भी ना विलोम शब्द पूछा, ना प्रत्यय उपसर्ग पूछा, और ना ही पर्यायवाची, जो पहले से आया हुआ है वही सब रिपीट कर रहा है, ठीक है। आकर्षित शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है, तो इसमें मूल शब्द है आकर्षण और प्रत्यय है इत, ठीक है। मूल शब्द है आकर्षण और प्रत्यय है इत, आकर्षित। एक शेरपा की मृत्यु का कारण था, शेरपा की मृत्यु का कारण क्या था, बर्फ की चट्टान का खिसकना, बर्फ की चट्टान का खिसकना, खिसकना। निम्न में से विशेषण विशेष किसमें नहीं है, देखिए विशेषण क्या होता है, जो किसी की विशेषता बताता है, और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, और विशेष क्या होता है, जिसकी वो विशेषता बताता है, ठीक है। जैसे हम कहेंगे राम एक अच्छा लड़का है, तो अच्छा हो गया विशेषण, और लड़का वो राम जो है, राम हो गया विशेष, ठीक है। तो जिसकी विशेषता बताता है वो विशेष, और विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं विशेषण, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो इसमें कौन विशेषण नहीं है, विशेषण और विशेष नहीं है, ये पूछा है, ठीक है। सीधा पहाड़ी, तो पहाड़ी जो है वो विशेष है, और पहाड़ी का विशेषता है वो सीधा, तो सीधा विशेषण और पहाड़ी विशेष है। सूखा बर्फ, तो बर्फ है हमारा विशेष, यानी कि बर्फ क्या है, संज्ञा है, और उसका विशेषता कौन बता रहा है, सूखा, वो सूखा हुआ है, तो विशेषण है सूखा और विशेष्य है बर्फ। 16 शेरपा, तो शेरपा जो है वो विशेष्य है, और 16 विशेषण में याद रखिएगा, ये जो होता है ना, ये जो होता है 1 2 3 4, ये सब गिनती का जो नंबर होता है, ये सब भी विशेष, इसको भी विशेषण कहते हैं, शायद आपको ये सब पता ही होगा, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो 16 भी है विशेषण, और शेरपा जो है वो है विशेष, शेरपा का वो विशेषता बता रहा है। लेकिन पर्वत जो है वो विशेषण नहीं है, पर्वत भी संज्ञा और शिखर भी संज्ञा, तो ये दोनों विशेषण नहीं है। तो इसमें विशेषण विशेष किसमें नहीं है, फोर्थ में विशेषण विशेष नहीं है, ठीक है। बस इतने ही क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पद्यांश करेंगे। तो होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिए, ठीक है। बाय।